Assalamu alaikum. We will be continuing chapter number 5, Reproduction. In this video, we will be covering section C, Extensive Response Question and Detailed Answers. Question number 1, Describe Natural Asexual Reproduction in Plants. Plants के अंदर जो naturally तौर पर asexual reproduction होती है, उनको explain करना है. जो सबसे पहला तरीका जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन. फ्यूजन में क्या होता है कि जो सेल है वो दो या दो से ज़्यादा हिस्से में सेल्स में वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट तरीका होता है रिप्रोडक्शन का. इसमें जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो इक्वली डिवाइड होता है. अब वो चाहे वो प्लांट दो सेल्स बनाए, चार सेल्स बनाए, आठ सेल्स बनाए, सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आता है. जो फर्स्ट स्टेप है बाइनरी फ्यूजन का, दैट इज बाइनरी फ्यूजन, उसके अंदर क्या होता है, द वर्ड बाय दो, यानी कि जो सेल है वो दो हिस्से में बढ़ जाता है और दोनों सेल्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल नजर आता है. सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूजन इज मल्टीपल फ्यूजन. मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि जो मदर सेल होता है वो एक से ज्यादा टोटल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी दो से ज़्यादा बेसिकली, तो मल्टीपल फ्यूजन हो जाता है वो. आफ्टर दैट वी हैव बडिंग. बडिंग में क्या होता है, अनलाइक फ्यूजन उसमें सेम साइज नहीं बनते टोटल सेल्स के, उसमें डिफरेंट साइज के बनते हैं. लाइक अगर आप लोगों ने कभी अदरक देखा हो, जिंजर, उसमें आप जो डिफरेंट थूम्स नजर आएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट साइजेस के होते हैं. इसी तरीके से पोटैटो के अंदर भी जो बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के नजर आ रहे होते हैं. तो जब जो न्यू सेल होता है वो पेरेंट सेल के हिसाब से काफ़ी कंपेरेटिवली छोटा होता है, डिफरेंट साइज का होता है, तो फिर वो बडिंग कहलाता है. फिर आता है थ्रू स्पोर्स. जो स्पोरेंजियम होता है उनके अंदर न्यूमरस स्पोर्स बने हुए होते हैं, जो जब वो मिकदार बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पोरेंजियम फट जाता है. एंड देन वो जो यूनिसेलुलर स्पोर्स जो होते हैं वो सीड्स की तरह फैलना शुरू हो जाते हैं. ज़्यादातर ये जो स्पोरेंजियम का कॉन्सेप्ट होता है, जो उसका प्रोडक्शन होता है, वो हमें ब्रायोफाइट्स के अंदर नज़र आते हैं, फाइलम ब्रायोफाइट्स के अंदर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पोलिनेशन एंड गिव एडाप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ विंड एंड इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स. पोलिनेशन क्या है और जो फ्लावर्स विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उनके अंदर क्या तब्दीलियां लाई गई हैं. पोलिनेशन बेसिकली होता है कि पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र करना, यानी एंथर से लेकर स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है पोलन ग्रेन्स की, दैट इज़ पोलिनेशन. जो फ्लावर्स विंड के थ्रू पोलिनेशन का जो कंप्लीट करते हैं प्रोसेस, उनके फ्लावर्स जो होते हैं काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये खूबसूरत नहीं होते, तो इसलिए क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं वो इस वजह से इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते हैं. इसके अलावा ये पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं और सबके सब बहुत हल्के वेट के होते हैं, इनके पास कोई बू नहीं होती और ये कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते. जबकि वो प्लांट्स जो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन करते हैं उनके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं. उनके पोलन ग्रेन्स में स्टिकी मटेरियल होता है ताकि वो आसानी से इंसेक्ट से चिपक जाएं, और उनके पास नेक्टर होता है जो जूस वो पैदा करते हैं, जिसकी वजह से स्मेल पैदा होती है, एक स्पेशल ऑडर पैदा होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो हैं उनके फ्लावर्स के पास अट्रैक्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. इस बार हमें एनिमल्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने हैं. सबसे पहले फ्यूजन, जैसे प्लांट्स के अंदर होता है, उसके भी अगेन दो किस्म है, बाइनरी फ्यूजन जिसके अंदर दो सेल्स में वो स्प्लिट होता है, एंड मल्टीपल फ्यूजन जिसमें दो से ज़्यादा सेल्स के अंदर वो स्प्लिट हो रहे होते हैं. एंड देन बडिंग. बडिंग के अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स के मुकाबले में छोटे होते हैं. एंड फ्रेगमेंटेशन, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अगर अपना एक बॉडी का पार्ट खो देते हैं तो उसकी जगह पे वो दूसरा बॉडी का पार्ट ग्रो करता है. लाइक लिजर्ड की एग्जाम्पल ले लेते हैं. लिजर्ड जब अपना टेल उसमें समझो उसको कट कर लेते हैं तो उसकी जगह पे न्यू टेल वहाँ पे ग्रो होता है. इसी तरीके से इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं. इंसान के लिवर में अगर कोई मसला होता है तो उसका एक कट थोड़ा सा पार्ट कट करके वही पार्ट फिर क्या होता है, जो कट किया हुआ पार्ट है वो दोबारा से एक पूरा न्यू लिवर बन जाता है. तो बेसिकली जो रीजेनरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है किसी लॉस ऑर्गन को डेवलप करने के लिए, वो फ्रेगमेंटेशन में आ जाता है और उसी ऑर्गन के थ्रू या उसी पार्ट के थ्रू न्यू ऑर्गन भी, न्यू पूरा ऑर्गेनिज्म भी तैयार हो सकता है.
क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनाने का जो प्रोसेस है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो बेसिकली स्पर्म्स के प्रोडक्शन को कहते हैं, कि स्पर्म्स जो मेल सेल्स होते हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोजोनिया होता है जो कि डिप्लॉइड नंबर होता है, और उसको माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड होकर अपने नंबर को इंक्रीज करता है। उसके बाद जब मिकदार बहुत सफिशिएंट हो जाती है तो उसके बाद माइटोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और यही स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होकर थोड़ा सा स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, और दोनों केसेस में डिप्लॉयड होते हैं। उसके बाद जब ये मैच्योर बन जाते हैं तो मियोसिस का प्रोसेस हो जाता है, और मियोसिस के प्रोसेस की वजह से वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड नंबर का बन जाता है, तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड 2n होता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉयड यानी n होता है। फिर उसके बाद जितने भी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सबके सब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन उनके अंदर हो रही होती है, और फिर और सेल्स उसमें से तैयार होते हैं, छोटे सेल्स विच आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स को जब जो है उनकी जो नरिशमेंट है यानी उनको खाना होता है, जब इनकी ज़रूरियात होती हैं, जब नीड्स उनकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि इनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पैदा होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं बाय द स्टेप ऑफ मियोसिस 1। फिर मियोसिस 2 के प्रोसेस से स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज जर्मिनेशन, गिव द कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिफरेंट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन कंडीशंस क्या है, किस हालात में जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, और डिफरेंट जो तरीका होता है जर्मिनेशन का, डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं वो हमें बताना है। जर्मिनेशन बेसिकली होता है सीड से लेकर प्लांट की तरफ ग्रो करना, यानी सीड की डोमिनेंसी है, यानी कि सीड जब तक उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो सीड जो होता है वो सो रहा होता है। तो जब सीड सो रहा होता है उस टाइम बीइंग को हम लोग कहते हैं सीड डोरमेंसी। तो जब उसकी ज़रूरत पूरी आती है, लेट्स सपोज उसको खाना पूरा मिल जाता है, उसके पास उसको वाटर की मिकदार सही है, उसकी टेम्परेचर सही है, तो फिर वो क्या होता है, सीड ग्रो होना शुरू करता है। तो उस प्रोसेस को जिसमें सीड ग्रो होना शुरू करता है उसको हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। कंडीशंस क्या है, वाटर की ज़रूरत होती है इसके अंदर। वाटर से क्या होता है, जो सीड का जो लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो नरम होना शुरू होता है। जब वो नरम होना शुरू होता है तो उसमें से जाके फिर प्लांट्स वगैरह जो पूरा उसका रूट्स एंड स्टेम्स हैं वो बाहर निकलना शुरू होते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, उसके लिए प्लांट्स को जो सीड है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर में 25 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादातर सीड्स को इतनी ज़रूरत होती है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे कोई प्लांट नहीं उग सकता, कोई सीड उग नहीं सकता, और 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई सीड जर्मिनेट नहीं करता। यानी नॉर्मली प्लांट ग्रो हो सकते हैं, बट सीड से वो ग्रो होना उनके लिए बिलो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, और अबव 45 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। दोनों के लिए टेम्परेचर इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जिनको ग्रोथ की ज़रूरत होती है, वो एंजाइम्स प्रॉपरली काम नहीं करते। तो एंजाइम्स ताकि प्रॉपरली काम करें तो उनको 25-37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज इज द मोस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर देम। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ऐसा जर्मिनेशन जिसके अंदर सीड्स सॉइल के ऊपर आ जाए उसको हम कहते हैं एपीजियल, और ऐसा जर्मिनेशन जो सीड्स सॉइल के अंदर ही रहें उनको हम कहते हैं हाइपोजियल। और इस तरीके से चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन के एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।